नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई धमाकेदार वीडियो में। सो गाइस, आज अपन लेके आ गए एक और नई वीडियो जिसके अंदर गाइस अपने बताने वाले हैं कि अपना जो न्यू वेपन रोल में गन स्किन आया है ना, वो यार कैसी आपको निकालनी चाहिए या फिर नहीं निकालनी चाहिए, पूरी डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। और गाइस, में जो M-60 की स्किन आई है ना, वो गन स्किन निकाल के प्लस उसका रिव्यू करूँगा, यानी कि कैसी चल रही है, ओके आपको निकालनी चाहिए नहीं निकालनी चाहिए, पूरी डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। जिसके लिए गाइस अपने आ गए यहाँ पे वेपन रोल के अंदर। ओके सर, यहाँ पे स्पिन विस्पिन मार लेते हैं, एडम वेडम लेके आ गए अपने, एकदम लो लेवल का कैरेक्टर लेके आ गए। परमानेंट दे दे तो बहुत अच्छी बात है, ना देवे तो कोई नहीं यार, अपने यूज़ तो करेंगे ही। ओके सर, यहाँ पे मैंने एक दो स्पिन मार लिए और गाइस मेरे पे यहाँ पे अभी 7-8 वेपन रोल और पड़ा है। सो गाइस, मैं सारे के सारे यहाँ पे स्पिन मार लूँगा, उसके बाद में अपने ये गन का रिव्यू करेंगे। ओके, गन का टेस्ट करेंगे कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है। यार जहाँ तक मेरे को लग रही है, गन तो काफ़ी तगड़ी चलने वाली है, क्योंकि यार इसके अंदर काफ़ी ओपी एट्रीब्यूट दिए हैं, मतलब कि गाइस डबल डैमेज है। ओके, प्लस रेंज सिंगल है भाई साहब, पहले ही इसका डैमेज काफ़ी तगड़ा आता था और गाइस अभी तो डबल डैमेज कर दिया है, यानी गाइस काफ़ी तगड़ी गन होने वाली, काफ़ी ओपी गन होने वाली यार, हेडशॉट तो मशीन बन जाएगी ये गन। ओके सर, चलो देखते हैं यार अपने यहाँ पे, मेरे को नहीं लगता कि परमानेंट देने वाले, क्योंकि यार इतना लो लक में तो कोई परमानेंट देता नहीं, पर गाइस अपने को टेस्ट करने के लिए थोड़े दिन के लिए तो मिल ही जाएगी। ओ भाई भाई, गाइस देखो मेरे को यहाँ पे स्पास की परमानेंट गन स्किन मिल चुकी है। ओके तो यार क्या हुआ, M-60 नहीं मिली तो स्पास तो मिल गई। ओके सर, चलो कोई नहीं यार, यहाँ पे अपना हो गया, यानी लास्ट स्पिन था, ये लोग देने वाले हैं नहीं। सर चलो, यहाँ पे हो गया होगा अपना, 6-7 दिन के लिए खुल गई होगी। सो अब अपने चलेंगे डायरेक्ट ट्रेनिंग रूम के अंदर। ओके सर, काफ़ी देर के बाद अपने यहाँ पे आ गए ट्रेनिंग रूम में और यहाँ पे टेस्ट करते हैं कैसी क्या गन चल रही है। ओके यानी देखो, इसका रिकॉइल तो मारेगी गाइस। ओके क्योंकि यार रेंज इसका सिंगल है, डबल रेंज होता तो ये रिकॉइल नहीं मारती, बट गाइस इसका यार डैमेज देखो काफ़ी ओपी चल रही है गाइस, ये देखो 1 पे भी काफ़ी ओपी लगते हैं इसके। ओके सर, मेरे को तो काफ़ी तगड़ी गन लगी, बट गाइस याद रखना ये यार ये रिकॉइल भी काफ़ी मारती है। ओके और गाइस, हेडशॉट मारेगी तो यानी कि पूरा उड़ा ही डालेगी, एक ही बार में बंदे का खोपड़ा उड़ा डालेगी। ओके सर, मेरे को तो काफ़ी ओपी गन स्किन लगी, गाइस देखा 198 का हेडशॉट मारा भाई, ये तो काफ़ी ओपी गन चल रही है सर, मेरे को काफ़ी ओपी लगी यार काफ़ी। देखो गाइस, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे हेड के नीचे बात ही नहीं हो रही है। ओके गाइस देखो, रिकॉइल मारेगी गाइस। ओके यानी इसका डबल डैमेज है, रेंज सिंगल है, डबल रेंज होता तो रिकॉइल नहीं मारती, बट गाइस मेरे को तो काफ़ी तगड़ी लगी, आपको कैसी लगी गाइस कमेंट करके जरूर बता देना। ओके और उसी के साथ साथ गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उसी के बाद में दिख रहा होगा आपको बेल आइकन, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि यार ये तुम्हारे भाई ऐसी नई धमाकेदार वीडियो लाता रहता है। सो गाइस, ट्रेनिंग रूम तो अपने ने काफ़ी खेल लिया, अब अपने चलेंगे डायरेक्ट बरमूडा में। ओके सर, ट्रेनिंग में तो सबका हेड लगता है, बट गाइस मेरे को तो काफ़ी ओपी लगी यार, क्योंकि यार ये हेड के नीचे बात ही नहीं करी। ओके देखो यार, यहाँ पे अपने बरमूडा, ओह गाइस देखा गाइस, क्या ही हेडशॉट मारा यार, 214 का हेडशॉट, यानी काफ़ी तगड़ी यार गन चली, हेड के नीचे बात ही नहीं हो रही यार, मेरे को तो काफ़ी ओपी गन स्किन लगी यार। तो यार मेरा तो ओपिनियन है कि आपको निकालनी चाहिए, बट गाइस अगर आप निकाल रहे हो, यानी कि ये अगर आपका लक अच्छा है तो मैं तो बोलता हूँ मत निकालो, क्योंकि यार अभी अपने को रेड वाली डबल रेट ऑफ फायर की दे दी है। ओके सर, मेरे को तो वो गन स्किन भी काफ़ी ओपी लगी, बट गाइस अगर आपके पास डायमंड पड़े हैं, वाउचर्स पड़े हैं, तो यार निकाल लो। ओके सो यार, ये गन स्किन आपको कैसी लगी गाइस कमेंट करके बता देना। ओके और गाइस, वीडियो कब भी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उसी के बाजू में दिख रहा होगा आपको बेल आइकन, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर प्रेस कर लेना। सो यार, मेरे को तो काफ़ी ओपी गन स्किन लगी यार, मेरा तो ओपिनियन है गाइस निकालो, क्योंकि यार जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रेनिंग रूम में, प्लस यार बरमूडा मोड में क्या ही हेडशॉट लग रहा है यार, मेरे को तो काफ़ी तगड़ी यार, एक नंबर भाई, बहुत ओपी गन स्किन लगी। ओके सर, निकाल लो यार, मैं तो बोलता हूँ अगर आप पे पड़े हैं डायमंड पड़े हैं, डायमंड बाउचर पड़े हैं, तो यार निकाल लो। ओके क्योंकि यार ये गन स्किन होने वाली है रेयर, और यार मेरे को तो काफ़ी ओपी लगी गाइस, आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करके बताना। ओके सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।